खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने खरपतवार नाशक से फसलें नष्ट होने की शिकायतों पर कृषि विभाग को जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद कृषि उप संचालक M.L. चौहान ने बताया कि बनहर के किसान पन्नालाल पिता रामलाल बागुल द्वारा मैसर्स मानर्बदा ट्रेडर्स नागशिरी विकासखंड गोगावा से मैसर्स आदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उत्पादित खरपतवार नाशक साकेट का छिड़काव सोयाबीन फसल पर किया गया, जिससे फसल नष्ट हो गई है। शिकायत के परिपालन में गोगांव के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा बनहर में सोयाबीन की फसल का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान जांच में पाया गया कि मैसर्स आदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उत्पादित खरपतवार नाशक साकेट कीटनाशक दवाई विक्रय की गई है, जो निम्न स्तर की प्रतीत होती है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने मैसर्स मां नर्मदा ट्रेडर्स नागझिरी का कीटनाशी लाइसेंस क्रमांक 4353 को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक निलंबित किया है। किसान पन्नालाल को कीटनाशक विक्रेता मैसर्स आदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये मिष्ठान बनेर और भगवानपुरा क्षेत्र कुछ किसानों द्वारा शिकायत आई थी कि उनके सोयाबीन में आदामा कंपनी का जो है साकेत नाम का वीडिसाइड स्प्रे करके किया था किसानों ने, तो उससे उनकी फसल खराब हो गई। हमने उनका निरीक्षण करवाया है, जांच दल रेगुलर 2 दिन तक गया है। हाँ, उसके आधार पर ये माना जा सकता है कि लगभग 70 एकड़ ज़मीन में जो है सोयाबीन खराब हुआ है, उस पर कार्रवाई चल रही है। और जो संबंधित दवा विक्रेता था, माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से था, उसका हमने लाइसेंस निलंबित किया है और आदामा कंपनी है जिसकी दवाई थी उस पर FIR करने की कार्रवाई की जा रही है। कंपनी पे मुआवजा तो हम नहीं दिलवाते हैं, लेकिन कंपनी पे जो विधि विधान से कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। और उसके लिए किसानों को हमारे जितने भी जांच के निरीक्षण के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनको उपलब्ध करवाएंगे, वो आगे जाए और अपनी कार्रवाई संपन्न करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।